हे राम, अयोध्या में 50 लाख रुपए की लाइटें चोरी चली गई। ये प्रभु राम की नगरी, जहां राम राज्य आने की बात बताई जा रही थी, प्राण प्रतिष्ठा के बाद लगाई गई लाइटें, इतनी भारी संख्या में लाइटें चोरी चली गई। सोचिए, 3800 बैम्बू लाइट और 36 गोबो लाइट, जो कि आप ये समझिए कि लेजर से चलने वाली लाइटें हैं, वो सब चोरी चली गई हैं। ये कैसा राम राज्य है? ये क्या हो रहा है अयोध्या में? नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। जी हाँ, इस तरीके की एक शिकायत उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन को मिली है कि अयोध्या में लाइट चोरी हो गई। कहाँ हुई? अब देखिए, अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी 2024 को, यानी कि इसी साल के शुरुआत में, तो आप जानते हैं कि वहां पर 13 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, जो जिसको कहा जाता है राम पथ और भक्ति पथ। इसको एकदम सजा दिया गया था, बहुत खूबसूरत लाइटें यहां पर लगा दी गई थी। और इस पूरे स्ट्रेच पर जो लाइटिंग हुई थी, ये 13 किलोमीटर की थी, जो कि लता मंगेशकर चौक से लेकर शहादतगंज तक थी। लता मंगेशकर चौक एक चौक बनाया गया है, जो कि राम की पैड़ी के एकदम पास है, सरयू नदी के घाट पर। और उससे 13 किलोमीटर दूर शहादतगंज है, जो कि पहले जिसको फैजाबाद बुलाया जाता था उसमें पड़ता है। तो पूरे जिले का नाम अयोध्या हो गया, तो इस वजह से इस जो राम पथ और भक्ति पथ है, इसको अब अयोध्या ही कहा जाता है। तो इस 13 किलोमीटर के स्ट्रेच पर 6400 बैम्बू लाइट लगाई गई थी। जो तस्वीर आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो बैम्बू लाइट है। बैम्बू माने बांस, लाइट माने रोशनी, यानी कि बल्ब। तो इस तरीके के बैम्बू वाली लाइट पेड़ों पर लगा दी थी कि वो सौंदर्यकरण हो, बहुत सुंदर लगे। किनारे किनारे पेड़ों पर ये टिमटिम करके रात में जलते रहते थे, बहुत ही सुंदर लगता था। इसके अलावा 96 गोबो प्रोजेक्शन लाइट लगाई गई थी। प्रोजेक्शन लाइट क्या होता है? आप ये समझिए कि ये एक तरीके की लेजर लाइट होती है, जो कि प्रोजेक्शन करती है, यानी कि आप इसमें, इस लाइट में चाहे तो कोई छवि दिखा सकते हैं, या फिर आप जमीन पर ये दिखा सकते हैं कि कोई एक आकृति बनी हुई है। इसके अलावा अगर आप कोई और चीज दर्शाना चाहें वो दिखा सकते हैं। प्रोजेक्टर, इससे आप समझिए, प्रोजेक्टर क्या करता है? किसी चीज को प्रोजेक्ट करता है। उसी तरीके से प्रोजेक्शन लाइट क्या करती है? वो सिर्फ एक बल्ब की तरह नहीं जलती है कि 9 वाट का बल्ब गए मार्केट से ले आए, ये वो चीज नहीं है, ये दूसरा है, ये प्रोजेक्शन लाइट है। ये सब चीजें महंगी भी होती हैं। ये सब सौंदर्यीकरण के चलते हुए लगाया गया था। कहां लगाया गया था? अयोध्या में। 13 किलोमीटर तक लगाया गया था। तो 96 प्रोजेक्शन लाइट और 6400 बैम्बू लाइट, यानी कि बांस की लाइट। इसमें से एक शिकायत जो कि अब यूपी पुलिस को मिली है, वो ये कहती है कि 3800 बैम्बू लाइट 6400 में से 3800, यानी कि आधे, लगभग आधा, आधे से भी ज्यादा लाइटें चोरी हो गई। और 36 गोबो लाइट चोरी हो गई 96 में से, यानी कि 96 में से 36 प्रोजेक्शन लाइट्स चोरी हो गई। और इनकी वैल्यू बताई गई है, इनका दाम बताया गया है 50 लाख रुपए। अब जाहिर सी बात है, जब इस तरीके की चोरी की बात जब सामने आएगी तो प्रशासन हरकत में आएगा। प्रशासन को लगेगा, अरे इतनी बड़ी चोरी, और वो भी नाक के नीचे, और वो भी एक ऐसे इलाके में जहां पर आप ये समझिए हर कुछ कुछ मीटर पे सीसीटीवी लगा हुआ है। फिर तो निकाल के फेंक दो इन सीसीटीवी को, ये तो किसी काम के ही नहीं है। जब लाइटें ऐसी चोरी चली जा रही हैं कि 6400 में से 3800 लाइट चोरी हो रही है और आपका सीसीटीवी कुछ देख ही नहीं पा रहा है। इन सब चीजों को लेकर के अब अयोध्या प्रशासन का ये कहना है कि बताओ, प्रभु राम की नगरी में नतीजा कुछ भी आया हो, चुनाव में नतीजा कुछ भी आया हो, लेकिन अब ऐसी भी बात ना कर दीजिए जो कि हलक से नीचे ना उतरे। प्रशासन हरकत में आया, और अब प्रशासन का यह मामला है कि ये कहीं जबरदस्ती की कार्रवाई तो नहीं है, बेवजह तो नहीं चोरी की बात कही जा रही है कि अब आप अपनी लाइट का हिसाब नहीं रख पा रहे हैं तो चोरी की बात लिख दीजिए, ताकि उसके बाद उस हिसाब से आपको मुआवजा मिल जाए। क्या ये इस तरीके की कहानी तो नहीं है? प्रशासन की तरफ से जो मंडल आयुक्त हैं गौरव दयाल, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी करके ये बोला कि ये जो ठेकेदार है, ये अपनी बचाने के लिए, कि इससे इंक्वायरी ना हो जाए कि कहां गई तुम्हारी लाइटें, इस वजह से ये बहाना मार रहा है। आइए सुनते हैं गौरव दयाल जी का बयान। देखिए, ये कोई विषय नहीं है, छोटी चीज को बहुत बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। कुछ ऑर्नामेंटल लाइट्स लगाई गई थी पेड़ों पे, और कुछ ऐसे इलाकों में जहां पर रोशनी कम रहती थी, छोटी लाइट जो लगती है, बैम्बू लाइट्स लगाई गई थी, और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका अभी पेमेंट भी नहीं हुआ है।
अब उसका ये कहना है, जैसे मैंने प्राधिकरण से पता किया कि हमारी बहुत बड़ी संख्या में पेड़ों के ऊपर से लाइट चोरी हो गई है। ये संभव ही नहीं है, पेड़ों के ऊपर लाइट लगाना ही इतना मुश्किल था जिस समय लाइट्स को लगाया जा रहा था, और उसको इतने लार्ज स्केल पे कोई चोरी कर ले जाए, तो एक्चुअली जो संभावना ज़्यादा ये लग रही है कि वो लाइट्स लगी ही नहीं है। प्राधिकरण से इसकी जाँच कराई जा रही है, संभवतः कॉन्ट्रैक्टर ने अपने बचाव में इस तरह की तहरीर थाने में दी थी। तो ये कोई विषय नहीं है, इतनी लार्ज स्केल पर चोरी हो जाए, पूरा अयोध्या में इतना पहरा रहता है और इतने लोगों की आवाजाही है, के लास्ट स्केल पे लाइट चोरी होना असंभव चीज़ है। आप लोग भी यहीं पे रहते हैं, देखते हैं, तो ये एक छोटी बात को बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, इसमें कोई विषय नहीं है। और अगर कुछ हुआ भी है, कुछ दूसरी बात यह है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है, वो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड है, उसको स्वयं लाइट्स का रख रखाव देख रेख करनी है 1 साल तक। तो अगर इस बीच में कुछ भी होता है तो वो उसी के ऊपर लाइबिलिटी है, तो उसमें ना तो कोई सुरक्षा की चूक का मामला है और पेमेंट भी उसको नहीं हुआ है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर इसमें संभवतः जो जो आरोप लगा रहा है उसकी जाँच की जाएगी, और अगर वो गलत शिकायत की जा रही है तो उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो ये थे मंडल आयुक्त जिनकी बात आपने सुन ही ली। अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि भाई इतनी सीसीटीवी मॉनिटरिंग में आप कैसे ये बोल सकते हैं कि चोरी चली गई? वो दिख जाएगा ना, अगर कोई बल्ब उतार रहा होगा या तार निकाल रहा होगा, ये सारी चीजें ऐसे तो होने। अच्छा, वो पूरी लड़ी की तरह लगी हुई है किनारे किनारे, 13 किलोमीटर में अगर कोई 6400 लाइट लगी हुई है और 3800 कोई निकाल ले जा रहा है, तो ये पहले क्यों नहीं इसकी सूचना दी गई? ये एक और बात है। आप सोचिए कि जनवरी 2024 से लगी हुई लाइटें और उनकी रिपोर्ट दर्ज हो रही है अब। एक जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये आभास जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको हो गया था मई में। अब मई में क्या हो रहा था? चुनाव। मई में चुनाव के बाद नतीजे कब आए? जून। जून में जब इसी फैजाबाद और अयोध्या के नतीजे आए तो नतीजे विपरीत थे, तो उसके बाद फिर कुछ दिनों तक इसके बारे में बात नहीं हुई। अब बात हो रही है। लाइट चोरी की जानकारी आपके हिसाब से हुई मई में, आप मुद्दा उठा रहे हैं अब। खैर, नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए, लेकिन अब प्रशासन का यह कहना है कि ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बोल देंगे और आपकी बात मान ली जाएगी, सीसीटीवी खंगाली जाएगी, देखा जाएगा कि आप सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज है जिसको लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, ये अयोध्या की वास्तविकता है। प्रभु राम की नगरी है ना, तो वानर सेना कैसे पीछे रह जाएगी? और वानर सेना कभी कभार बहुत बदमाशी भी करती है, चंचल होते हैं ना बंदर, तो अगर आप इतने टाइम तक लाइट निकालेंगे ही नहीं और उसके बाद आप उम्मीद करेंगे कि बंदर उसको छोड़ दें, ऐसा तो होगा नहीं। तो प्रशासन का यह मानना है कि कहीं बंदरों ने तो नहीं तोड़ डाला, लेकिन इस पर तर्क यह है कि अगर बंदरों ने तोड़ी होती तो वो गिर करके नीचे दिखती है, बंदर खा तो जाएगा नहीं बांस की लाइट, या फिर प्रोजेक्टर लाइट अपने घर में ले जा करके बंदर और बंदरिया जो है वो प्रोजेक्शन में फिल्म तो देखेंगे नहीं, तो वो टूट के कहीं तो गिरा होगा, तो वो अवशेष कहां है? जो लाइटें जो गिरी होंगी उसके अवशेष कहां है और उसके बारे में जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई? ये अयोध्या में हो क्या रहा है? लेकिन इससे ज्यादा बड़ा सवाल यहां पर पूछने वाला ये है कि हम इतने हैरान क्यों हैं? अक्सर ये होता है ना, बताओ, राम की नगरी में चोरी, राम की नगरी में डकैती, राम की नगरी में 50 लाख रुपए की लाइटें चोरी चली गई, ऐसा आरोप, राम की नगरी में ये, राम की नगरी में वो। राम की नगरी में तो रेप का आरोप भी निकला है, राम की नगरी में तो जमीन घोटाला भी निकला है, राम की नगरी में भी तो इंसान ही रह रहे हैं और राम की नगरी में भी वो सारी दिक्कतें हैं जो कि बाकी पूरे देश में, क्योंकि राम की नगरी में अगर वाकई त्रेता युग का राम राज्य होता तो दुकानों में हरिसन के ताले नहीं बिक रहे होते। राम की नगरी में अगर वाकई राम राज्य होता तो रेप की खबरें नहीं आती। राम की नगरी में अगर वाकई राम राज्य होता तो बहुत सारी चीजें नहीं होती, सड़कों में गड्ढे नहीं होते, गड्ढों में पानी नहीं भरता, जो ढोल है उसकी पोल नहीं खुलती, चुनावी नतीजा तो आप छोड़ दीजिए, और राम की नगरी में अगर राम राज्य होता तो ये वही राम की नगरी है जहां पर आप और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि कितना बड़ा जमीन घोटाला हुआ है, इतना बड़ा कि खुद प्रशासन अपने ही लोगों पर आरोप लगा रहा है, अपने ही महापौर पर आरोप लगा रहा है, FIR दर्ज हो रही हैं और
जो वहां का तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उस पर ये आरोप लगे कि ये जमीन कैसे आपने पहले तो उसकी वैल्यू जो है वो कम अमाउंट में खरीदी और उसके बाद बहुत महंगे अमाउंट में बेच दी, ये सब आरोप लगे हैं ना। वहां किस तरीके से जमीन को लेकर के ठगी हो रही है उसकी अगर आप FIR देखना शुरू कर दें या फिर अगर पुलिस में शिकायत देखना शुरू कर दें कैसे लोग ठगी वहां पर कर रहे हैं जमीन को लेकर के, ये सब इसी रामनगरी में ही तो हो रहा है। तो आज जब लाइट की चोरी हो रही है तो हम फिर हैरान हो रहे हैं ये सोच करके कि प्रभु राम की नगरी में ऐसा कैसे हो सकता है, इससे पहले हम क्यों नहीं चौंके। और अब सबसे बड़ी बात देखने वाली ये होगी कि क्या राम की नगरी में वाकई लाइट चोरी हुई है या फिर कोई फ्रॉड कर रहा है। आपको क्या लगता है, इंतजार करेंगे हम प्रशासन की तरफ से क्या इस पर कार्रवाई होती है और क्या बात होती है? राजनीतिक जो नतीजा आया उसके बारे में तो हमने बात ही नहीं की, लेकिन क्योंकि आज ये लाइट चोरी की बात हुई तो हमें लगा कि इसके बारे में भी बात करें। तो इशारों इशारों में आज इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय सियाराम।